hello everyone this is suman mehta your ss teacher dear students as you know that we are reading chapter 5 natural vegetation and wildlife from geography and in this chapter we are going to read the content that is in the last of the this chapter the main cause for this major threat To nature आर hunting of greedy hunters for commercial purposes. आपने देखा पीछे भी आपने पढ़ा था कि कुछ लालची शिकारियों की वजह से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नेचर का जो है एक भयानक रूप देखने को मिल रहा है मीन्स नेचर को खतरा पैदा हो गया है क्यों क्योंकि कुछ ग्रीडी हंटर्स की वजह से काफी हद तक हंटिंग की जा रही है यानी पशु पक्षियों का शिकार किया जा रहा है जिसकी वजह से हाँ, इनकी कुछ प्रजातियां लुप्त होने लगी हैं पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एसिड डिपोजिट्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ अलायस स्पीसीज एंड रैकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड इनहैबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस हमारे नेचर में जो इम्बैलेंस हुआ है जो डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं और उनमें शामिल हैं रासायनिक और औद्योगिक खराब पदार्थ एसिड अमलीय स्वभाव वाले कुछ पदार्थ इंट्रोडक्शन ऑफ अलाय स्पीसीज कुछ बाहरी जो प्रजातियाँ हैं उनसे परिचय और अंधाधुन जंगलों की कटाई जिसके अंडर में हमने क्या किया लैंड कल्टीवेट करना शुरू किया मीन्स डिफोरेस्टेशन करके वहाँ पर लैंड को कल्टीवेट करने की कोशिश की गई या रहने के लिए उसको यूज किया गया तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे नेचर को खतरा पैदा हो गया है और नेचर में इम्बेलेंस आ गया है यानी असंतुलन हमारी प्रकृति में जो असंतुलन पैदा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार ये कुछ कारक हैं फिर अब हमें क्या करना चाहिए इंबैलेंस तो हो गया अब इस इंबैलेंस को ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी काफी हद तक प्रयास किए हैं और हम हमें भी अपने लेवल पर इन प्रयासों को सपोर्ट करना चाहिए इन एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री The government has taken many steps इन पशु पक्षियों और पौधों की वैरायटी को बचाने के लिए सरकार ने काफी कुछ कदम उठाए हैं पहला कदम क्या उठाया है फोर्टीन बायोस्फेर रिजर्व्स यानी चौदह जो है जैव मंडल निश्चय एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया है हमारे देश के अंदर चौदह चो, जगह पर जहां पर फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है और इनमें से चार तो ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड जो हेरिटेज है इसमें बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में उसमें भी शामिल हो चुके हैं यानी इतनी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर प्रिजर्व की जा रही है कि वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्रीज में हमारे भी चार नेटवर्क का नाम आया है कौन से हैं वो देखिए सुंदरबन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है गल्फ़ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां भी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी है और बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूप में ये फेमस है तो केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में ये बनाया गया है तो ये जो चार प्लेसिज हैं इंडिया के ये वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेटवर्क में शामिल किए गए हैं अब आपने ये चीज़ तो देखी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कदम उठाए हैं इसके अलावा भी यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं ये जो 14 बायोस्फेयर रिजर्व आपने पीछे पड़ा उसी की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नेम दिए गए हैं फोर्टीन के सुंदरबंश गल्फ ऑफ मन्नार नीलग्रीज नंदा देवी नोकरेक ग्रेटर निकोबार मानस सिंपली पाल दि देहांग और दिबांग दिब्रू साइखोवा और इसके अलावा मलाई कंचनजंगा पंचमढी और अचकचनार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में है तो सिंपली पाल उड़ीसा में देहांग दिबांग आपको आसाम अरुणाचल प्रदेश की तरफ दिखाई देगा और डिब्रू से खोवा अगस्त मलाई और ये कंचनजंगा आपका सिक्किम में हो गया अगस्त मलाई आपका यहाँ पर मिड जो इंडिया है वहाँ पर आपको दिखाई देता है तो ये कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनमें फ्लोरा एंड फोना की वराइटी ऑफ स्पीसीज़ को बचाने की कोशिश की गई है फिर है दूसरा कदम फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी दी गई है बहुत सारे देश के अंदर जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पर पौधों की प्रजातियों को बचाने की कोशिश की गई है तो गवर्नमेंट ने 1992 से ही इसको फाइनेंस देना भी शुरू किया है बोटनिकल गार्डन्स को मीन्स पैसा देना शुरू किया है ताकि इसके जो एफर्ट्स हैं उनको सुचारू रखा जा सके और टेक्निकल असिस्टेंस मींस तकनीकी ज्ञान की मदद से भी प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है नेक्स्ट आप देखिए प्रोजेक्ट टाइगर एक लॉन्च किया गया था 1973 में ताकि टाइगर्स को प्रिजर्व किया जा सके कंजर्व किया जा सके प्रोजेक्ट टाइनो भी शुरू किया गया प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भी बहुत सारे जो इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट दीज एनिमल्स एंड द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स कैन बी प्रोटेक्टेड 89 नेशनल पार्क्स, यानी राष्ट्रीय उद्यान नवासी राष्ट्रीय उद्यान भारत देश के अंदर बनाए गए हैं 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में बनाई गई हैं यानी जंगली जीवों को बचाने के लिए अभ्यारण्य और जूलॉजिकल गार्डन्स भी काफ़ी सारे सेटअप किए गए हैं ताकि नेचुरल हेरिटेज को बचाया जा सके उसकी केयर की जा सके ये सारे कुछ एफर्ट्स हैं जो कि आपको फाइव मार्क्स के मेजर क्वेश्चन में अटैम्प्ट करने होते हैं जब आपसे पूछा जाए कि वट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द इंडिया देन यू यू विल राइट दीज पॉइंट्स ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल हम सबको अपने इस प्राकृतिक पारितंत्र को बचा कर रखना होगा ताकि हम अपनी जिंदगी को बचा सकें इट इज़ पॉसिबल इफ़ इनडिसक्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इज बुट टू एन इमीडिएट एंड और ये तभी पॉसिबल है जब हम प्राकृतिक पर्यावरण को तुरंत नुकसान पहुँचाने वाले कारणों को ख़त्म कर दें यानी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन फैक्टर्स को ख़त्म कर दें और ये काम कब होना चाहिए एट प्रेजेंट होना चाहिए यानी अभी की अभी हमारे माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि हमें इन्हें प्रिजर्व करना है और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स की एक डिस्क्रिप्शन दी गई है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अब मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं पहले है एम सी क्यू क्वेश्चन हैं कुछ है। तो वो आपको करवाए जा रहे हैं पहला क्वेश्चन देखिए बेटा चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो इनमें से चार ऑप्शन में दिए गए हैं नीचे एक सेंटेंस देने देने के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे उसके नीचे फोर ऑप्शंस हैं फोर ऑप्शन में से आप राइट right आंसर को चूज करेंगे टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू रबर कौन सी वेजिटेशन से बिलोंग करती है टुंड्रा से टाइडल से हिमालय से या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन से तो राइट आंसर रहेगा आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन सिंकोना ट्रीज जो, जो कि कौन सी रेनफॉल वाले एरियाज में पाए जाते हैं तो मोर देन 100 सेंटीमीटर सेवेंटी फिफ्टी या लेस देन फिफ्टी तो सबको पता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं तो मोर देन 100 सेंटीमीटर ही होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपली पाल बायो रिजर्व लोकेटेड सिंपली पाल जो बायो रिजर्व है वो देश के किस हिस्से में या किस राज्य से बिलोंग करता है तो आपके पास ऑप्शन है पंजाब दिल्ली ओडिशा वेस्ट बंगाल अभी थोड़ी देर पहले आपको फोर्टीन बायोस्फीयर रिजर्व्स बताते समय मैंने आपको बताया था ओडिशा से ही बिलोंग करता है फिर नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग बायो of ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व देखिये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व से नीचे लिखे गए चार ऑप्शन में से कौन सा बायो रिजर्व बिलोंग नहीं करता या उससे रिलेट नहीं करता या उसमें शामिल नहीं किया गया है तो ऑप्शन हैं मानस गल्फ ऑफ मन्नार नीलगिरी नंदा देवी अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसको रीड किया है तो इसमें गल्फ ऑफ मन्नार नंदा देवी नीलगिरी तो थे लेकिन मानस नहीं था इसका मतलब कौन सा इंक्लूडेड नहीं है मानस अभी आप यहाँ पर सेकंड पेज पर देख सकते हैं लास्ट वाले पे कि इसपे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं डिफाइन एन इकोसिस्टम इकोसिस्टम को डिफाइन करना है जैसा कि आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम मैं अंडरलाइन करवा चुकी हूँ इकोसिस्टम का तो आप उसको वहां से लर्न कर लीजिएगा और राइट डाउन भी कीजिएगा वट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया ये भी आपको बताए जा चुके हैं लैंड सोयल आपका टेम्परेचर और सन इसका आपका सनलाइट का पीरियड फोटो पीरियड जिसे कहा गया और प्रेसिपिटेशन व्हाट इज बायो रिजर्व बायो रिजर्व क्या होते हैं और इसके टू एग्जाम्पल्स आपको देने हैं तो आई थिंक आप सबको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि चैप्टर पढ़ाते टाइम अभी भी बायो रिजर्व की हमने लास्ट में बात की है नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन दो दो जानवरों के नाम बताने हैं जो कि ट्रॉपिकल और माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं तो आप बुक से इनको टैली कर सकते हैं और आराम से इसको नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं डिस्टिंग बिटवीन फ्लोरा एंड फोना में डिफरेंस बताना है यानी दोनों की आपको इसमें डेफिनेशन बतानी है फिर इसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसीडियस फॉरेस्ट में भी डिफरेंस बताना है और इसके साथ साथ इसके फाइव पॉइंट्स आप कंसिडर कीजिएगा जो मेजर हों जैसे कि एरियाज भी हम काउंट कर सकते हैं मेजर फीचर्स भी कोई काउंट कर सकते हैं एनिमल्स को भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पर कौन से ट्रीज पाए जाते हैं उसको भी हम एज ए डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर और इसके साथ साथ रेनफॉल टेम्परेचर वगैरह को भी हम इसमें डाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नेम डिफरेंट ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडियाट्यूड यानी इंडिया में कितने टाइप की अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उसको डिस्क्राइब करना है यानी आपको सारे फॉरेस्ट के नाम बताने हैं यहाँ पे फिर डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई वाले इट मीन्स आपको माउंटेन फॉरेस्ट की फीचर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है यानी वेजिटेशन को बताना है तो आप यहाँ से आपको जो बुक में मैंने समझाया था वहाँ से इन पॉइंट्स को ले सकते हो जो कि मेजर पॉइंट्स आपको लगते हों फिर इसके बाद आगे है क्वाइट फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया वाइ मतलब कुछ ही प्रजातियां पौधों की और जानवरों की भारत में खतरे में है ऐसा क्यों है तो इसका कारण कई हैं क्योंकि कुछ कमर्शियल पर्पज के लिए और कुछ अपने जो ये ग्रीडी हंटर्स हैं अपनी ग्रीडीनेस को फुलफ़िल करने के लिए जो कुछ स्पेशल और रेयर स्पीसीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की उनको नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी वजह से ही ये खतरे में हैं तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर वाई हैज इंडिया और रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फोना भारत के अंदर फ्लोरा एंड फोना की काफ़ी वैरायटी है रिच हेरिटेज है क्यों है क्यों है तो इसके कई फैक्टर्स हैं यानी इंडिया की आपके वही मेजर फैक्टर्स आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि इंडिया में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना एग्जिस्ट करता है रिच हेरीटेज के रूप में यहाँ पर इसके बाद आपको एक मैप स्किल का क्वेश्चन करना है जो कि आपको एक इंडिया का आपको मैप लेना है इसमें आप क्या करेंगे कि एरियाज ऑफ़ एवरग्रीन फॉरेस्ट को आप शो करेंगे एरियाज ऑफ ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट को आप इसमें जो है शो करने की कोशिश करेंगे टू नेशनल पार्क्स जो कि नॉर्दर्न और सदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लोकेट करते हैं उनको हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे मैं भी आपको दिखाती हूँ अभी तो जहाँ तक आपके मैप की बात है मैप स्किल की बात है तो आपके दो दिखाने हैं नॉर्थ के तो डची गाम और राजा जी या फिर कॉर्बेट को दिखा दीजिए डची गाम यहाँ से इसको ले लीजिए और कॉर्बेट यहाँ से फिर इसके बाद गिर यहाँ से ले लीजिए और इसके अलावा अगर आप वेस्ट डायरेक्शन का और कोई लेना चाह रहे हैं तो घाना को ले सकते हैं और साउथ डायरेक्शन में आपने लेना है पेरियार को लेना है और मधुमलाई को ले लेना है इसके अलावा काजीरंगा और मानस आप ले लेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से यहाँ पर जो आसाम स्टेट में दिखाए गए हैं ठीक है और इसके बाद ये तो हो गया आपके वो जो जो कि आपको बताने थे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जो शो करना था हमें कुछ नेशनल पार्क्स को ही शो करना था और इसके अलावा अब आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट को शो करना है तो उसके लिए नेक्स्ट जो आपका मैप होगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो डार्क ग्रीन है ये एरिया ये दिखाई दे रहा है वेस्टर्न घाट वाला और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ डार्क एरिया है और ये जो डेल्टाटिक एरिया है यहाँ भी तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए आप इनको लोकेट करके दिखाएंगे और अगर आपको यहाँ से डेसीडियस फ़ॉरेस्ट को देखना है तो आप यहाँ पर ये यह चीज़ देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल डेसीडियस फ़ॉरेस्ट कहाँ पर है ये पूरा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पर आप इनको शो कर सकते हो इस एरिया को ऐसे ही डिजाइन बनाकर जैसे कि इसमें दिखाया गया है और थोड़ा सा पोर्शन ये हटा लेंगे ये बीच में है हमारा थोनी फॉरेस्ट वाला एरिया ये थोनी फॉरेस्ट है बेटा ये थोनी फॉरेस्ट है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आप देख पा रहे होंगे माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दिए जा रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखाई देंगे और सिक्किम में और इसके अलावा बाकी जो पोर्शन है चाहे आसाम है मेघालय है नागपुर यहाँ पे जो आपका नागालैंड है मणिपुर है और मिजोरम है त्रिपुरा है और इसके अलावा यहाँ पे वेस्टर्न वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा भी है, इसका उड़ीसा का पोर्शन और मेजरली इस पोर्शन में ये आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं धोनी फॉरेस्ट का आपका एक यहाँ आएगा और एक यहाँ पे आएगा और माउंटेन फॉरेस्ट का आपका यहाँ और यहाँ रहेगा और बाकी जो पोर्शन बचेगा बेटा ये सारा किस सारा क्या है आपका ये है आपका ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट अब इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है कि इस मैप को आपको अपने इंडिया के मैप पर फिल करना है अगर फिजिकल मैप मिल जाए तो बेटर है नहीं मिलेगा तो आपको आईडीए से फिर पॉलिटिकल मैप के ऊपर ही इसको इन इस पैटर्न को ड्रॉ करना है और इस मैप को अपने आंसर्स वाली जो नोटबुक है फेयर नोटबुक उसमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने के बाद पेश कर लेना है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा लेकिन इसके साथ साथ एक और इंडिकेशन और इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूँगी कि ये जो आपको एक बार बना हुआ दिखाई दे रहा है इंडेक्स बॉक्स इस इंडेक्स बॉक्स को भी को भी आपने बनाना है ताकि आपके फुल मार्क्स हो सकें क्योंकि मैप में हमेशा बेटा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जब भी आप मैप फिल करते हैं जिस भी कलर से करते हैं या जो भी साइन आप बनाते हैं वो यहाँ पर शो होना चाहिए इस बॉक्स में और उसके साथ उसकी इंडिकेशन भी होनी चाहिए कि इंडिकेटर होना चाहिए कि ये किस चीज़ को शो करने के लिए इस प्रकार का मार्क बनाया गया है या कलर फिल किया गया है तो आप इस इंडिकेटर बॉक्स को भी जरूर बनाएंगे प्लस इस टाइप से अपना मैप फिल कर लेंगे और उसको फिर अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट कर लेंगे या फिर अटैच कर लेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा और अगर फिर भी कोई डाउट है तो अपनी डाउट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं या लाइव क्लास में पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच